डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सर, इनके साथ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट अरुण बडियाल सर और इनके साथ मंच पर उपस्थित सभी विभिन्न विभिन्न विभागों से कार्यरत ऑफिसर और इस सभा में उपस्थित सभी मेरे भाई बंधुओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज हम सब चिली ब्लॉक के लोगों का परम सौभाग्य ये है कि डिप्टी कमिश्नर सर जब से डोडा में पोस्टिंग आए हैं तो पहली बार हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए एक सौभाग्य वाली बात है और मैं दिल की गहराइयों से डिप्टी कमिश्नर सर का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और सर को यह बताना चाहूंगी कि चिल्ली ब्लॉक के जो लोग हैं तो इनको आपसे बहुत सारी आशा है। जो भी यहाँ पर मुझसे पहले मेरे भाइयों ने डिमांड्स रखी हुई है, हम सब आशा करते हैं कि सर इनको ध्यान में लेके जाएंगे। और कहा गया है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, तो सर यह है कि सबके डिमांड जो है तो यहाँ के लोगों की एक ही है, रिपीट तो कहीं ना कहीं होगी। सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा भटिया से मनो तक रोड है तो ये रोड 2004-05 से इस पर गाड़ियां चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ब्लैक टॉप जो है अभी तक ढंग से नहीं पड़ा है और जो रोड की आर और भ्रष्टाचार है वो भी ढंग से नहीं लगी है, ढंग से क्या लगी नहीं है। सर ब्लैक टॉप जो पहले हुआ था मलिकपुरा से सवारा तक, उसके बाद सवारा से था चिल्ली तक, तो मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें पिछले दिसंबर में यहाँ पे जो ब्लैक टॉप हुआ तो दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि अरुण बडियाल सर यहाँ से ट्रांसफर हो चुके थे। अरुण बडियाल सर जो है तो इन्होंने यहाँ पे भलेसा की एक मिसाल है कि इन्होंने बहुत सारे रोड जो है तो कंटिंग रोड जो है तो इन्होंने वो खोल दिए हैं। चाहे मैं आपको बताना चाहूँ कहलजुगा सर हो, सिंगरी हो, कोटा हो, फिर इसके बाद एक ठाट वाला रोड है, ये भी असल में खोल दिया था लेकिन ये हम लोगों की कमी है कि हमने इसको खुद ही यहाँ पे हमारे लोगों ने बंद किया। तो ब्लैक टॉप की बात जो चल रही थी तो सर इसमें ये है कि जो ठेकेदार था तो वो इस ब्लैक टॉप पर डालने की उसमें नहीं था और हमने मजबूर में वहां पे प्रोटेस्ट करना किया और एसडीएम सर को भी इसका पता है और दुर्भाग्य ये है कि एसडीएम सर जो तब यहाँ थे उनको हमने 1000 फोन कॉल किए, 1000 बार हम उनके पास गए लेकिन हमने इस पे गौर नहीं किया। अगर अरुण सर यहाँ पे होते तो शायद ये ब्लॉक था ढंग से पड़ता। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये रोड जो है ये ढंग से बने, ये रोड जो है तो नेशनल हाईवे से ज्यादा गाड़ियां जो इस रोड पे चलती है, इस पर 7-8 मिनी बसेज है, एक लॉन्ग रूट की जम्मू की बस है, उसके अलावा जो छोटी सुमो इकोज है तो ये भी मतलब कुल मिला के कोई 100 गाड़ियां दिन की इस रोड पे चलती है। तो फिर सर इस पे जो है तो इस हमें विश्वास दिलाकर जाए कि इसका काम जो ढंग से हो। और सर को मैं बताना चाहूंगी कि ये रोड जो है तो अभी अभी शादीन जी ने यहाँ पे बताया कि एक हमारी यहाँ पे पारंपरिक एक यात्रा जाती है महिला के सर यात्रा जो है, तो सर से मैं निवेदन भी करती हूँ, आमंत्रित भी करती हूँ कि अगले महीने जो ये यात्रा है तो ये पहले सवारा में एक रात सवारा में नाइट स्टे होता था, एक मनो में होता था, उसके बाद पीछे भी एक जगह है वहां, तो इसके लिए अगर सर को हम जो जितने भी सारे ऑफिसर यहाँ पे हम सबको आमंत्रित करते हैं कि अगर उस यात्रा में सभी यहाँ रहेंगे तो थोड़ा यात्रा का जो है खुद विजिट भी करेंगे, देखेंगे भी और महिला के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिलेगा। सर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी एजुकेशन के रिलेटेड, एजुकेशन का जो है तो जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं हाई सेकेंडरी में 8 पंचायतों के बच्चे जो हैं तो यहीं पे पढ़ने आते हैं, चाहे मनो कुटा हटल जो है हमारे चंपल के बच्चे भी यहाँ आते हैं, स्वारा चिल्ली पाई बाला सब बच्चे यहाँ आते हैं। यहाँ पे एक बिल्डिंग जो सामने बनी हुई है, सर से निवेदन है कि यहाँ से जब प्रस्थान करेंगे तो एक बार वहाँ की विजिट आप कीजिए, वहाँ पे थोड़ी फेंसिंग की जरूरत है सर, आप खुद वहाँ पे देख सकते हैं। और स्टाफ की सर जो कमी होगी अगर वो भी पूरा करेंगे, क्योंकि बच्चों ने जिन्होंने मतलब जो बच्चों ने सब्जेक्ट रखे होते हैं तो उसके अगर टीचर ही नहीं होंगे तो फिर वो बच्चे क्या पेपर देंगे, क्या बच्चे वो करेंगे। इसके लिए जो जो बच्चों के मतलब सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे टीचर होने चाहिए।
उसके बाद सर नंबर तीन पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो हेल्थ का इश्यू है, हेल्थ के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि गंदों का हमारा जो हॉस्पिटल है तो माना जाता है कि बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है, माना ही नहीं जाता है भी वो बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके अंदर जब आप विजिट करोगे सर तो वहां पर डॉक्टरों की बहुत कमी है। अभी हाल में ही एक एक्सीडेंट जो हमारे भटियास के पास हुआ था, तो हम देख ही सकते हैं कि अगर वहां पे कोई अर्थों का डॉक्टर होता तो अच्छे से उसको ट्रीटमेंट मिलता। अर्थों का डॉक्टर वहां पे नहीं है, सर से निवेदन है कि अगर अर्थों का डॉक्टर वहां पे हो। उसके बाद हमारी जो बहने हैं फार फ्लंग एरिया के जो हॉस्पिटल है वहां डिलीवरी के लिए वहां आते हैं, तो गायनिक वहां भी नहीं है, तो वहां के लिए गायनिक भी उपलब्ध किया जाए। और सर वहां पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी वहां पे नहीं है, जिसके कारण हमारे बच्चों को अच्छे से डोज नहीं मिलते हैं। और सर वहां पे अल्ट्रासाउंड मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, 3 साल से अल्ट्रासाउंड मशीन वहां पे लगी हुई है और बाहर से वहां से ताला है। मैं उसको इतने पहले में रखा हुआ है ताला देके कि वहां किसी का अल्ट्रासाउंड नहीं हो। सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहां से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हमारी बहनों को जाना पड़ता है अल्ट्रासाउंड के लिए, कितना उनका किराए का खर्चा आता है। चलो जो भगवान ने जिनको दिया है वो खर्चा उठा सकते हैं, अगर जिनके पास नहीं है तो वो किश्तवाड़ जाके अपना उनको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। इसके लिए वहां पे भी डॉक्टर साहब के हाथों मैंने परसों आपको एक रिजर्वेशन दिया था कि वहां से एक डॉक्टर को वहां कोर्स के लिए भेजा जाता है, शायद आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी वहां से डॉक्टर का लिखा हुआ है उसको कोर्स के लिए भेज दिया जाए ताकि वो भी वहां पे उपलब्ध हो। सर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी मैं अपने बहनों के रिलेटेड कि हमारा ये जो फार्मल एरिया है, बहुत सारी बहनें जो हैं जो अपना आत्म